दोस्तों आज बहुत दिनों बाद टेक लाइट में हम आए हैं बहुत सारा सामान लेकर। सामान जो था ये कलेक्ट करने में हमको बहुत वक्त लगा। तो आप लोग बहुत सारे लोग जो है बीटीएस को बहुत फैन है, बीटीएस को बहुत फैन है, मगर कुछ लोग हैं सोचते हैं बीटीएस क्या है। आपको ही पता चलेगा अगर जाकर गूगल में सर्च करते हो, लिखते हो बीटीएस तो संग संग पता चलेगा बीटीएस क्या है। उन सभी लोगों के लिए बीटीएस का बहुत सारा सामान लाए हम। स्मार्ट गैजेट बोल सकते हो, स्मार्ट गैजेट की तरह है, स्मार्ट डायरी है, स्मार्ट पेन है, स्मार्ट पेंसिल बॉक्स है, प्लस ये गिफ्टेड बॉक्स है, सभी आपका सामने है, सब बीटीएस का। तो सभी चीज हम आपको दिखाएंगे बहुत जल्द, क्विकली खोलते हैं। किधर से खोलें ये नहीं समझ में आ रहा कहां से दिखाएं आपको। तो सबसे पहले मैं स्मार्ट एक डायरी दिखाता हूं जो मुझे अच्छा लग रहा देखने में। ये लॉक से ये मुझे पड़ा था 120 रुपये में, 120 में। मैं आप लोगों का यहाँ प्राइस यहाँ 120 रुपये लिख के रखा हूँ बीटीएस का, ये डायरी का। क्यों लिख के रखा हूँ कि मैं भूल ना जाऊं, इतने सारे प्रोडक्ट है भूल जाऊंगा बोलकर। तो चलो इसको खोलते हैं। ये ऊपर से तो ये लग रहा है मोटा प्लास्टिक की तरह है, वाटरप्रूफ की तरह है, मगर ये कागज का ही है, कागज का क्वालिटी बहुत अच्छा। ये खुलेगा नहीं, इसमें नंबर दिया गया है। तो ये है स्मार्ट डायरी, ये है आपका पासवर्ड दिया है 1357, मेड इन चाइना। ये देखो मेड इन चाइना, ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो पासवर्ड क्या है 1357। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक है, तो हमको 1 मानना है 1, उसके बाद दिया गया 357, एक बाद दो, ये 3, ये 5, ये 7 मारे। अब इसको लॉक खोले, ये देखो खुल गया। ये इसका पेज का क्वालिटी जो है लगभग ठीक है, मजबूत है, ये देखो क्वालिटी अच्छा है। तो बस कुछ नहीं, ये डायरी है और सिंपल सा, और कुछ नहीं इसमें। आप पर्सनल कुछ लिख सकते हो, किसी दोस्त को गिफ्ट दे सकते हो, बर्थडे वगैरह सब चीज़ में नोट वगैरह लिख सकते हो, छोटा सा है, सिंपल सा है, बहुत सारा पेज है, नॉर्मल है। ये एक डायरी है और इसको लॉक करने के लिए कुछ नहीं है, इसको इसे ऐसे मार दो, ये आपको लॉक हो गया, ये आप जितना भी चापो ये चपेगा नहीं, प्रेस नहीं होगा। दूसरा दिखाते हैं आपको, ये था स्मार्ट डायरी। अब दिखाते हैं आपको ये पहले जमाने वाला डायरी, जो पहले बहुत सारा बचपन हम लोग लेते थे ताला वाला डायरी, इसको भी ओपन करते हैं। ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज में, इसीलिए मैं यहाँ लिख कर रखा हूँ। ये भी मेड इन चाइना है, ये देखो लिखा हुआ मेड इन चाइना। ये भी बीटीएस का है, ये कागज का फूट का है, यहाँ पर हार्डली कूट है, ये सब बीटीएस का लोग है। तो ये लॉक खोलना है हमें, लॉक खोलने के लिए ये लॉक, अच्छे ये लॉक खुला हुआ था, तो ये लॉक खुला हुआ था, चाबी रखते हैं पहले, खोलते डायरी को दिखाते हैं डायरी के अंदर में क्या है। ये देखो ये बना हुआ डिजाइनिंग, बना हुआ बहुत सारा डिजाइनिंग है, नहीं दो ही डिजाइनिंग है, एक फैन ने बना हुआ, एक फूल फ्लावर बना हुआ ट्री की तरह बस। इसका ये पेज क्वालिटी बहुत सारा पेज है, इसका पेज क्वालिटी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो मोटा पेज क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी है। इसको लॉक करने के लिए ये यहाँ से खुल जा रहा, इसको लॉक करने के लिए इसको ऐसे करते हैं, और ये जो ताला है ये पहले की तरह है, ये टिप टॉप ताला है, ये चाप देने से ही आपका बंद हो जाएगा। और इसको इसके अंदर ढुकाना है चाबी को, चाबी ढुका कर ऐसे घुमा देना, ये लॉक खुल गया। ये देखो दोनों डायरी देखो, आप देख सकते हो, ये है स्मार्ट डायरी, ये है पहले का डायरी। चलिए और दिखाते आपको बीटीएस का। तो ये पहले पेन दिखा देता आपको, ये देखो, तो पहले कौन सा पेन दिखाए, चलो ये स्टार, ये इसमें देखो ये डायमंड की तरह बना हुआ बच्चे की, ये घूमता भी है और ये गिली गिली भी होता है, छू भी होता है। ये देखो यहाँ पर है, ये मेरे हाथ है, ये गिली गिली छू, देखो हाथ हट गया, ये गिली गिली आ गया, ये है बीटीएस का ये पेन। और ये इससे लिख सकते हो आप, इसमें बीटीएस बना हुआ है। दूसरा ये है बीटीएस का एक, इसमें ये पेन है, और ये जंग के लिए भी है, आप किसी से जंग भी कर सकते हो। ये क्यूट सा है, ये आप कैट का कान बोलो या रैबिट का कान बोलो, किसी के कान बोलो, ये भी बीटीएस का है। देखो ये बीटीएस का, ये देखो बीटीएस, इसमें भी बीटीएस बना हुआ पेन है। ये यहाँ से खोले, यहाँ से आप लिख सकते हो पेन का, ये एक पेन है बीटीएस का, और ये बहुत सारा अच्छा बीटीएस का पेन। इसमें क्या है मालूम है, आप पे शॉर्पनर है, मगर ये पेंसिल नहीं है, पेन है, इसमें शॉर्पनर से आप अलग से पेंसिल में खेल सकते हो। ये बीटीएस का पेंसिल है, पेन है, सॉरी पेंसिल नहीं है, पेन है। ये देखो ये बीटीएस का एक पेन, देखो ये बीटीएस का, प्लस ये पर में टाइमर है,
ऊपर में जो ये टाइमर है ये देखो, ये जैसे किए देखो, नजर आता होगा गिरता होगा। अच्छा रुको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये देखो टाइमर देख रहा हूँ, ये छोटा सा टाइमर है, ये भी BTS का है पूरा। ये छोटा सा इसके अंदर में टाइमर दिया गया है, आप इस तरह टाइमिंग कर सकते हो। ये पहले टाइमर आता था इस तरह, अभी भी मिलता है मगर ये काम नहीं करता, अब तो घड़ी आ चुका है। ये भी यहाँ से लिखने के लिए पेन है। आखिरी में है ये BTS का बहुत ही फेमस ये डायरी, ये BTS का है ये देखो। तो इसमें आप डायरी है ये BTS का, ये इसमें छोटा सा डायरी है, आप इसमें फोन नंबर वगैरह लिख कर रख सकते हो। और ये प्लस साथ में ये पेन है। ये टोटल पेन जो है ये सारे पेन मुझे पड़ा 20 रुपीज कर, तो हर एक पेन का कीमत मुझसे लिया गया 20 रुपया। ये बैग दिखाते हैं, मगर ये बैग का कीमत लगा है 220 रुपया। बैग का क्वालिटी तो ऊपर से देखने में अच्छा लग रहा है, स्मूथ भी है। ये प्रिंट जो प्रिंट है ये प्रिंट उठेगा भी नहीं, मजबूत है। वाह चेन भी अच्छा अच्छे। ये बैग आपका फुल वाटरप्रूफ है, प्लस यहाँ पर आपको दिया गया है नेट दिया गया है। ये देखो इसके अंदर सामान रख सकते हो आराम से, इसके अंदर फिर रखने के बाद यहाँ पर जगह भी है। तो ये फुल जो बैग है वाटरप्रूफ है, इसमें आप कोई भी अपना डॉक्यूमेंट भी, फिर भी डॉक्यूमेंट रखना है तो प्लास्टिक के अंदर रखना, ऐसे नॉर्मल सामान रख सकते हो। मैं बोल रहा है ये वाटरप्रूफ है, फुल वाटरप्रूफ नहीं बोल सकते, हो भी सकता है पानी वगैरह जा भी सकता है, तो मोबाइल का मैं जा ही रहा। और वाटरप्रूफ क्या, IP रेटिंग तो 67-68 होता नहीं है इसमें, तो ये नॉर्मल वाटरप्रूफ है। अब क्या देखा, ये दिखाते हैं आपका एक और BTS का पेंसिल बॉक्स। ये बॉक्स मुझे पड़ा है 100 में, ये BTS का देखो पूरा BTS लिखा हुआ है, प्लस BTS का प्लास्टिक का है, प्लस यहाँ पर भी है। तो ये जैसे ओपन करते हैं यहाँ पर पेंसिल रख सकते हो, प्लस ये एक इस गैजेट इसलिए है, ये देखो इसके अंदर इस तरह खोलो, ये इससे निकल जाएगा, सॉरी ये इस तरह रहेगा, ये निकाल कर आप इसमें लाइट इसके अंदर रख सकते हो। अगर आपको बाहर में चाहिए तो ये इस तरह कर आप बाहर में लाइट लगाकर पढ़ाई भी कर सकते हो, बहुत सारा रोशनी है इसमें, बहुत ज्यादा ही रोशनी है इसमें। तो ये एक छोटा सा स्मार्ट गैजेट की तरह बोल सकते हो ये। और ये इसमें प्लस यहाँ पर इसके ये मैग्नेट है, खोले इसमें आपको लाइट ये जला, देखो ये देखो कितना रोशनी है, ये जबरदस्त रोशनी है। देखो ये BTS के फ्रेंड के देखो सब, ये लाइट से नजर आ रहा, देखो तो छोटा सा है, आराम से आप लिख सकते हो। ये देखो रोशनी कितना रोशनी है इसमें, नजर आता होगा। तो ये बॉक्स में आप यहाँ से स्विच ये ऑफ कर दो, यहाँ पर आप पेन वगैरह रख सकते हो, साइड में यहाँ पे स्केल वगैरह रखने के लिए ये भी जगह दिया गया है। और यहाँ पे छोटा सा स्मार्ट गैजेट दिया गया है, इसको लॉक खोलते ही दो शॉपनर है, एक बड़ा एक छोटा, आप शॉपनर भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको। और जो डस्ट है आप इसके अंदर इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा, बाहर आकर डस्ट फेंक सकते हो। और है जो कैलकुलेटर है साथ में दिया गया है BTS का, ये मुझे पड़ा था 140 में। ये भी स्मार्ट है, क्या स्मार्ट है इसमें आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखो ये यहाँ पर कैलकुलेटर दिया गया है, प्लस यहाँ पर पेन रखने के लिए जगह दिया गया है, ये मैग्नेट है। और ये पूरा फुल देखो, ये पूरा फुल BTS है, देखो यहाँ भी BTS। तो टोटल BTS का फैन लोगों के लिए जबरदस्त है। एक और चीज है ये कैलकुलेटर में, यहाँ पर जो ये स्मार्ट बॉक्स बना है कैलकुलेटर, ये घूमता भी है, अगर इसको इसे ठेल देने से ये पुश करने से ये आपका कैलकुलेटर ऊपर आ गया, आप यहाँ से हिसाब कर सकते हो मैथ वगैरह में जो लगेगा। अगर फिर अगर दरकार पड़े तो आप इसको फिर यहाँ से हल्का सा पुश करो तो ये घूम जाएगा, रोटेट होकर घूमकर फिर से यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा। और इसमें भी आपका ये देखो मल्टीप्लाई दे दिया है सब, तो आराम से मल्टीप्लाई भी यहाँ से सीख सकते हो, नजर आता होगा तो। हाँ ये मल्टीप्लाई दे दिया गया है, यहाँ पर आराम से मल्टीप्लाई भी सीख सकते हो। और इसमें भी छोटा सा एक और गैजेट की तरह बोलो जो पहले का बॉक्स में था, सेम दिया गया है, ये लॉक खोलते ही दो शॉपनर प्लस डस्ट के लिए यहाँ कवर दे दिया गया है। तो ये भी एक प्लास्टिक बॉडी है, मजबूत है, हार्ड मटेरियल में है, अच्छा है। अब एक दिखाते हैं BTS का बहुत बड़ा, ये गिफ्ट पैक भी बोल सकते हो, गिफ्ट भी बोल सकते हो। ये मुझे पड़ा था 280 में, जो BTS फैन है वो BTS फैन के लिए गिफ्ट है। इसके अंदर क्या क्या है, ये 280 में
एक छोटा सा नॉर्मल सा पाउच दिया गया और कुछ नहीं है, मगर ये जो है BTS लिखा हुआ है, यहाँ BTS का है ये। इसका मटेरियल जो है नरम नरम है, सॉफ्ट है, अच्छा है, अंदर से फुल वाटरप्रूफ वाला है। मगर इसका जो चेन है ये वाटरप्रूफ नहीं है, मगर इस साइज से पूरा वाटरप्रूफ है, ये एक दिया गया है। और इसमें एक की रिंग है, एक ये की रिंग दिया गया है BTS का, ये देख सकते हो। बाइक साइकिल या बैग में कहीं भी झुला सकते हैं, ये की रिंग बहुत सा खूबसूरत सा की रिंग है। और इसमें एक दिया गया है BTS का बड़ा सा, ये बड़ा वाला BTS का बैच, ये देखो बिग साइज BTS बैच। और इसमें दिया गया है आपका कि एक अच्छा सा डेक, ये देखो ये एक अच्छा सा कॉपी दिया गया है, आप डायरी बोल सकते हो, कॉपी बोल सकते, लिख सकते हो, BTS का है, नॉर्मल है तो कुछ है नहीं। मगर ये 280 में महंगा है, फिर भी आप लोग के लिए परचेस कर चुके हैं। लास्ट में आपको एक चीज दिखाएंगे, उससे पहले ये 220 में मिला है मुझे BTS का बोतल, ये देखो ब्लू कलर में है, फुल मेटल बॉडी में है, ये देखो BTS, ये देखो फुल ड्रीम टू एक्वाइंग, देखो BTS का ये फुल बॉल, फुल है फुल। इसको लॉक कैसे खोलते हैं ये आपको नीचे टानना है, और इसको प्रेस करते ही देखो ये कितना स्लो मोशन में खुल रहा है, ये देखो ये खुल गया। और ये पानी पीने के लिए यहाँ दिया गया, आप इस तरह डायरेक्ट इस तरह पानी पी सकते हो। इसको अगर घुमाते हैं ये देखो, इसमें आप पानी ठंडा भी रहेगा, वाटर कोल्ड रहेगा तो कोल्ड ठंडा रहेगा, गर्म तो गर्म भी रहेगा, तो सिंपल सा है ये, नॉर्मल है। पहले का बोतल आता था सिर्फ पानी, अगर गर्म ठंडा ले जाओ तो गर्म हो जाता था, गर्म ठंडा का टाइम में गर्म पानी ले तो वो ठंडा हो जाता था, मगर ये नहीं, ठंडा में अगर गर्म लाया तो गर्म रहेगा और गर्मी में ठंडा लिया तो ठंडा रहेगा, ये भी स्मार्ट ही है। ये सबसे आखिरी में जो है मेरे पास BTS का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, मेरा सबसे पसंदीदा या बोलो सबसे अच्छा ये बॉक्स, ये सचमुच का फुल स्मार्ट बॉक्स है। तो इसको और कुछ नहीं बोलकर क्विकली खोल के दिखाते आपको क्या है इसमें। हाँ, इसका प्राइस आपको पहले बता दूं, इसका प्राइस पड़ा था मुझे 300 रुपए। ये देखो BTS का, यहाँ पहले ऊपर का देखो, ये जो है पूरा प्लास्टिक में शाइनिंग में है जबरदस्त, यहाँ पर तो नरम स्पॉन्जी है, इस साइड में भी है, यहाँ पर तो देखो हरे हरे पिंक पर हरे हरे बटन की तरह कुछ नजर आ रहा। तो सबसे पहले इधर आते हैं, यहाँ पर आप नाम लिख सकते हो, यहाँ पर क्लास लिख सकते हो, कौन सा क्लास में हो। BTS के लिए जबरदस्त, फैनों के लिए है। ये लॉक खोलते ही यहाँ पर आप दो खाने हैं, इसमें कुछ रख सकते हो, रबर शॉर्पनर कुछ भी, इरेजर, और यहाँ पेन पेंसिल स्केल कुछ भी, प्लस यहाँ पर मैग्नेट दिया गया है, ये आप इस तरह बंद कर सकते हो मैग्नेट की तरह। ये मैग्नेट इतना अच्छा है कि आप जितना भी करो ये खुलेगा नहीं, दूसरी ये नहीं खुलेगा। अब आते हैं इसका ठीक उल्टा साइड में, ये हुआ ना बात, ये देखो ये जैसे ही खोलेंगे ये चौड़ा सा है, ये खोले इसमें देखो ये हुआ फुल स्मार्ट, यहाँ पर इसे उठा दो, इसमें 1 2 3 4 5 6 देखो 6 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 पेंसिल या पेन रख सकते हो पतला सा, ठीक है। अरे BTS का ही 6 पेन रख देना, जो हमारे पास ये पेन थे इसी पेन को ढुका दो इसके अंदर, रह जाएगा। साथ में यहाँ पर छोटा सा आप दिया गया है पेंसिल वगैरह कुछ अलग से कुछ रखने के लिए, और यहाँ पर दिया गया है एक सीक्रेट सा, देखो ये सीक्रेट, ये चापते ही ये खुल गया, ये क्या है, यहाँ पर कुछ रख सकते हो, ये सीक्रेट सा है, ये देखो। प्लस इसमें यहाँ पर ये जो देख रहे हो बटन, ये बटन प्रेस करते ही देखो, इसको बंद करते ही, ये प्रेस करते ही देखो क्या खुलेगा, यहाँ पर सामान रख सकते हो। फिर ये देखो, फिर इसको जैसे प्रेस किए देखो एक और खुला, दो सामान रख सकते हो, रख के तो बंद कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर क्या है, सोचो डिजाइनिंग है, जैसे प्रेस करोगे खुल जाएगा, ये प्रेस करो खुल जाएगा, ये दो हो गया। साथ में यहाँ दो बटन है, तो पहले कौन सा मारू कौन सा मारू, चलो इधर का मारता, ये जैसे मारा ये देखो ये निकल गया, फिर इधर ये प्रेस किया ये निकल गया, इसमें भी सामान रख सकते हो। इधर जो है आप शॉर्पनर से, स्वप्न से आप
पेंसिल वगैरह छिलो, छिलने के बाद डस्ट फेंकना है, तो ये आप प्रेस करो, इसमें से जितना डस्ट है बाहर फेंक सकते हो, ये हो गया। एक और सीक्रेट है, ये जो है ये तो समझ में आ, ये खुलेगा, ये खुल रहा, ये खुल, ये भी खुलेगा, कहाँ से खुलेगा, ये किधर से खुले पता नहीं चल रहा। तो एक और जगह है, यो है यहाँ पर, ये देखो, ये जैसे प्रेस करेगा ना, ये देखो, ये एक और खुला, ये सीक्रेट जगह है, आप इसके अंदर डाल लो। और ये भी मैग्नेट है, पता भी नहीं चलेगा। ये BTS का सबसे जबरदस्त बॉक्स है, मुझे बहुत पसंद है। तो ये सभी दोस्तों, ये सभी आप लोग के लिए लाए थे, हमने ऑर्डर किए थे, खरीद जा घूम घूम कर लाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा। एक और बात दोस्तों, मैं जिस तरह BTS का लाया हूँ उसी तरह बहुत जल्द और एक पूरा बहुत सारा उसका बताए तो बहुत सारा प्रोडक्ट मैं अरेंज किया हूँ, तो वो बहुत जल्दी उसका भी वीडियो आने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वो भी आप लोग का बहुत पसंदीदा है, बच्चों लोग के लिए तो बहुत पसंद है। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।